जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश से कल मिलेंगे तेजस्वी यादव। सदन के बाहर नीट आरक्षण मामले पर केंद्र पर साधा निशाना। जातिगत जनगणना कराने को लेकर जेडीयू सांसदों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जनगणना को जाति आधारित कराने का जिक्र। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी करेंगे बिहार का दौरा, लोजपा सांसद चिराग पासवान ने चाचा पारस को दी बधाई। बेगूसराय में बढ़ते अपराध को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के बाहर निकाला प्रतिवाद मार्च, सरकार पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष काफी जोर दे रहा है और ऐसे में जब बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव लगातार सदन में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अब इसी कड़ी में शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम से उन्होंने कमेटी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें हर दल के नेताओं को शामिल किया जाए और कमेटी के सदस्य पीएम मोदी से मुलाकात करे और जातीय जनगणना पर चर्चा करे। और मिलने का समय मांग करके प्रधानमंत्री को इस विषय के बारे में बताया जाए कि हम लोगों ने विधानसभा से सर्वसम्मति, जिसमें प्रधानमंत्री जी आपकी भी पार्टी शामिल थी, इस चीज़ को जातीय जनगणना वाले मामले में आप जो है अनुमति दें और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराएं। बिहार में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है और उसको लेकर प्रतिदिन सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी दलों द्वारा। सीएम नीतीश कुमार अब इस बयान और इस मुद्दे को लेकर ढुलमुल रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते नजर आ रहे हैं कि सीएम नीतीश ही जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार स्वयं कई बार कह चुके हैं कि गरीब गुरबों के हक के लिए देश में जातिगत जनगणना कराना अति आवश्यक है। अब बिहार के जेडीयू के कई सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत पत्र लिखा है और जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन जेडीयू सांसदों ने चिट्ठी लिखी है उनमें सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू, झंझारपुर सांसद आरपी मंडल, गया सांसद विजय कुमार मांझी, सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा और जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवर्षी के नाम शामिल है। इन सांसदों ने संयुक्त आवेदन देकर देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है। पटना के जेडीयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बिहार सहकारिता समिति के अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह वर्चुअली रूप से जुड़े और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पटना सिटी में नगर निगम द्वारा कूड़ा टैक्स में बेतहाशा शुल्क वृद्धि को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से गायघाट डंका इमली के पास एक दिवसीय धरना किया गया। बता दें कि धरना का नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंघर्ष मोर्चा और आरजेडी कार्यकर्ता पटना नगर निगम के तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कूड़ा टैक्स को खत्म करें। और जिस तरह से राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन, खास करके पटना के और पटना सिटी के और पूरे तमाम पटना नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह काम कर रही है, नगर निगम का काम है कि सफाई व्यवस्था ठीक करना, टैक्स व्यवस्था ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि आम लोग उसको दे पाए, जबकि भारत सरकार का स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आया हुआ है। चिराग पासवान गुरुवार को पटना पहुंचे और 30 जुलाई को गया में आशीर्वाद यात्रा चुराग करने वाले हैं, जिसको लेकर गया में बैनर पोस्टर भी लगा दिया गया है।
पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की। बता दें कि हमारे संवाददाता निषेध से उन्होंने बातचीत की, क्या कुछ कहा चिराग ने जरा सुनिए। हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का 31 जुलाई को गया में आगमन है, आशीर्वाद यात्रा के रूप में। उस आशीर्वाद यात्रा के लिए ही आज प्रेस वार्ता हमारे पार्टी के 6 प्रत्याशी और हमारे प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता जो पटना से चल के आई हैं शोभा सिन्हा, उनके द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आज प्रेस वार्ता करने का एक ही उद्देश्य है कि 30 जुलाई के आदरणीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का गया जिला में आगमन है। हाँ, चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर 2 मिनट, आप यहाँ आ गए हैं, आशीर्वाद यात्रा आपकी जारी है, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं, कहना क्या, आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए, हर जिले से यात्रा होती हुई जा रही है और जो जन समर्थन मिल रहा है उसके लिए लोगों का धन्यवाद। सर चाचा जी भी दूसरी तरफ बिहार का दौरा करेंगे, शुभकामनाएं उनको बहुत सारी। कुछ ऐसा भी लगता है कि असर भी आपके आशीर्वाद यात्रा पे उनका जो दौरा कर रहे हैं उसका पड़ने वाला है? क्यों पड़ेगा जी, क्यों पड़ेगा? वो पार्टी को मजबूत करेंगे ये भी कह रहे हैं, वो करना चाहिए उन्हें, कौन सी पार्टी को करेंगे बस ये तय करना। आपका अलग है, आपकी पार्टी है, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग से पूछेंगे। तो देखिए, चिराग पासवान थे हमारे साथ, सीधे उनसे जुड़े थे। और एक तरफ जहां चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में लगातार घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस भी बिहार के एक एक जिले का दौरा करेंगे और वहाँ पे पार्टी को किस तरीके से मजबूत करे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, वो निर्णय अब पशुपति पारस बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करके लेंगे। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे अपने चाचा को शुभकामनाएं दी हैं। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। और बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने भगवानपुर प्रखंड के महदोली, बनवारीपुर तथा रसूलपुर पंचायत का निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान 7 निश्चय योजना के तहत चलाए जा रहे विकास कार्यों में गड़बड़ियां भी पाई गई और इसके लिए स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि जहां भी कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है वहां संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण करने हम लोग आए थे मेनली हर घर नल के जल का स्कीम का, तो PHD कार्यपालक अभियंता भी साथ में थे, SDO साहब, BDO साहब, CO साहब सब लोग साथ आए थे। तो 3 पंचायतों के कुछ कुछ वार्डों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, मेहदौली का, बनवारीपुर का और रसलपुर का। और वहाँ पे काफ़ी जगह तो संतोषजनक था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे शिकायत ये आई कि जो PHD के द्वारा काम हुआ था, रेस्टोरेशन का काम अधूरा। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित उमगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के COVID-19 के वैक्सीन सेंटर पर आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल उमगांव CHC के सभी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 10 दिनों से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण कार्य ठप था। गुरुवार को जब वैक्सीन उपलब्ध कराई गई तो उक्त सेंटर पर करीब 2000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कतार में खड़े थे और लोगों का गुस्सा तब फूटा जब वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित कर्मियों की लापरवाही को लोगों ने देखा और बाद में आए लोगों को पहले वैक्सीन दी जाने लगी। हालांकि इस मामले को लेकर PHC के डॉक्टर ने बताया कि मामले की जाँच कर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये मामला ये है कि जैसे 70 वायल्स यहाँ पर आया, तो 70 वायल पे यहाँ पर से शायद 20 वायल के करीब करीब में वो पिपरौन में गया और हॉस्पिटल में होना था और सामने स्कूल में होना था, तो 700 मतलब 20 वायल निकल गया तो 500 के करीब में बच गया यहाँ पर, और 500 के अगेंस्ट में यहाँ पर मुझे लगता है कि 1500 के करीब करीब में लोग यहाँ पर आ गए। और खेतों में रोपनी करने जा रहे मजदूरों से भरा वाहन पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में करीब 12 मजदूर घायल हो गए, सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। सभी मजदूर तारापुर जा रहे थे और इस बीच अनियंत्रित वाहन गड्ढे में जा गिरी जिससे मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। संजय यादव और गाड़ी वाले के नाम था राजू जाकर। वहाँ से यहाँ मुंगेर कैसे आ गए?
ये भागलपुर का रूट से आ रहे थे शॉर्टकट में। हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो भागलपुर से आगे आकर के रोड जो से घूर के गाँव के नाम तो सर हम नहीं जानते, मम्मर के पास वहाँ आकर के गाड़ी पलटी हो गया। बहुत पटना सिटी के काली स्थान के पास चोरों ने घर में चल रहे सिंदूर और कृत्रिम रंग फैक्ट्री में लाखों की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि चोरों ने गेट और कमरे का तीन ताला काटकर 50 से 60 हजार रुपए नगद और फैक्ट्री में रखे लाखों का सामान चोरी किया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें से जैसे DVR वगैरह नोच के ले गया सारा, जो गले में कैश था 50-60 हजार रुपया वो सारा ले गया। यहाँ ऊपर मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी थे चांदी के, वो ले गया। लगभग कितने की चोरी हुई है? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए। सुबह में 9:30 बजे जब फैक्ट्री खुलने आए तब देखा सारा जितने गेट हैं सब खुले हुए हैं। तो क्या यहाँ रात में कोई मजदूर? रात में कोई नहीं होता, मजदूर कोई नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्री है रात में। नालंदा के दीपनगर में बंद पड़े मकान को बदमाशों ने निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि बंद घर का ताला तोड़ जेवरात सहित कासा के बर्तन पर बदमाशों ने हाथ साफ किया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि वे अपने घर को बंद कर गए थे, जब वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ रात में जब हम लोग सुबह आए तो देखे ताला वाला टूटल है और गांव वाला फोन हमको पास नहीं, और जेवरात कम से कम 4-5 लाख के हो गए थे, चांदी था, सोना था और पूरा कपड़ा सहित खत्म कर दिया एक चीज का, और घर में बैठ के दारू और गांजा के साथ पिया और मस्ती लिया। टीवी लेके चल गया। हम लोग गेल थे अपना घर थे, हमारा घर यहाँ नहीं है, वो हमारा दीदी थे तो मायके यहाँ गेल थे बीमार के कारण, तो वही वजह से वो आए, पता चला कि। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, ककड़ दादी के छत का पापड़ भी ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद V-GigaNet। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा। बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, रहो सेफ सैनिटरी पैड से, खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर, देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग लिएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गया की, जहां गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के खैरा गांव के सीमेंट छड़ व्यवसायी से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले दो युवकों को आमस थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए शेरघाटी डीएसपी ने बताया कि अलग अलग मोबाइल नंबर से व्यवसायी को धमकी दी जा रही थी और 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हो गई है, दोनों आमस थाना क्षेत्र के महापुर गांव निवासी बताए जा रहे हैं। किया था कि उसके मोबाइल पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई जी। तो इसमें थाना अध्यक्ष आमस अनिल कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर जो आदमी रंगदारी मांगा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा जिस सिम से और जिस मोबाइल से रंगदारी मांगा गया था जी उसको भी बरामद कर लिया। कहाँ के रहने वाले लोग? ये रहने वाले जो है आपको महापुर। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन मंदिर की है और इसे जबरन किसी द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, कई लोग इसे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस बात की सूचना प्रशासन को भी दी गई है, जहां थाना अध्यक्ष राजेश शरण ने गंभीरता से इस मामले को सत्यापन में लिया है और सत्यापन में जुटे हैं। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसकी लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां महिला को डायन बताकर, महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी जाती है। आज भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। बेगूसराय में एक महिला ट्रैफिक सिपाही का घूस लेते हुए वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रैफिक चौकी में खुलेआम रुपए लेते नजर आ रही है। महिला सिपाही ने युवक को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके पास हेलमेट और गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। युवक ने कानून तोड़ा था, इसलिए कार्रवाई तो जरूरी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जुर्माना लेने के बजाय महिला सिपाही चौकी के अंदर रिश्वत की सेटिंग गेटिंग में पकड़ी गई। वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर निशित प्रिया ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो की जांच की जा रही है। बता दें इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई कर फिलहाल उन्हें पुलिस लाइन हाजिर की जा रही है, आगे और जांच के बाद कार्रवाई होगी। एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें एक महिला कांस्टेबल के द्वारा जो ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त है उसके द्वारा पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। इस संबंध में जांच किया गया, जांच उपरांत प्रथम दृष्टया उसको सही पाया गया और उसको उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन हाजिर की गई है, आगे की कार्रवाई। और कैमूर जिले में नशा का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। ताजा मामला
जिले के बड़का गांव का है, जहां कई दिनों से गांजा हीरोइन चरस की काफी तस्करी हो रही है। आपको बता दें कि इसकी आवेदन देने एसपी कार्यालय पहुंचे युवकों ने बताया कि कई लोग नशे में चूर होकर सड़कों पर गिरे पड़े मिलते हैं और कई लोग बाहर से आकर शराब पीते हैं। बड़ी बात तो यह है कि शराब तस्करी गांव में कहां पर हो रही है, इसकी भनक किसी को नहीं है, पुलिस को भी नहीं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, अच्छा, बिलाव थाना के अंतर्गत आता है बड़का गांव। वहां काफी दिनों से लोग शराब जो है इस समय बहुत ही मतलब बिहार के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जो कि हमारे गांव में कुछ लोग शराब तस्करी कर रहे हैं और उससे बड़े पैमाने पे लोग हमारे यहाँ हीरोइन वगैरह, चरस, गंजा वगैरह ये सारी चीज वहाँ पे मतलब लोग बेच रहे हैं। लखीसराय जिला जज के न्यायालय में कोविड 19 टीकाकरण अभियान चलाया गया, जहां जिला न्यायालय में सभी न्यायिक दंडाधिकारियों और न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मियों ने कोरोना के बचाव को लेकर कोविड टीका लगवाया। साथ ही बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी कोविड टीका लगवाया। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 51 योजनाओं का शिलान्यास और 44 योजनाओं का उद्घाटन किया। 3,351 किसानों के बीच केसीसी ऋण का वितरण भी किया। और देवघर में पेट्रोल, डीजल और गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के पूर्व मंत्री सह आरजेडी के जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टावर चौक से लेकर वीरकुंवर सिंह चौक तक बैलगाड़ी से विरोध प्रदर्शन किया। और इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और राशन के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज जो प्रदर्शन किया गया है, आज आप जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी, जो राशन का दाम बढ़ गया, कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सारा चीज जो है महंगाई हो गया। इसलिए आज हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के दिशा निर्देश। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बारी कोऑपरेटिव में गोली चलने की घटना सामने आई है। बता दें कि सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने मामले की जांच करने की बात कही है।